गुड मॉर्निंग। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस टॉपिक को कंसीडर करेंगे वो है हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अर्थात हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हालांकि प्रीवियस क्लासेज में आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुके हो, इसकी डेफिनेशन भी आपको पता है, ये सिद्धांत कहता क्या है, लेकिन आज हम थोड़ा इसको ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं, इसके अंतर्गत जो फिजिक्स इन्वॉल्व है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब एक चीज आप समझिए, हम लोगों ने जब क्वांटम मैकेनिक्स के इवोल्यूशन को स्टार्ट किया था तो वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, आपके मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से स्टार्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, निल्स बोहर की परिकल्पना है, क्वांटम इफेक्ट है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर जो इनिशियल में जो भी इवोल्यूशन हो रहा था उसको हमने नाम दिया था ओल्ड क्वांटम थ्योरी। क्या नाम दिया था? ओल्ड क्वांटम थ्योरी। आगे आप देखोगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक टॉपिक हम कंसिडर करेंगे, जिस तरह से हमने फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा था उसी प्रकार से कुछ ऐसी कमी होगी जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी में आपको दिखाई देगी। जैसे निल्स बोहर की परिकल्पना, निल्स बोहर का मॉडल एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन उसके द्वारा भी आप लगभग सभी अणुओं की उस तरह से व्याख्या नहीं कर सकते, वो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम को ही एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो कुछ ना कुछ कमी थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए और आगे एडवांसमेंट होगा। तो इस प्रकार से क्रम चलेगा तो फिर आगे आपको एक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी भी मिलेगी, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। तो ये जो आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, फिर आगे हम श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, ये सब एक तरह से मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। तो प्योरली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है एक तरह से ये। अब हम इसको समझते क्या है, हमारा हमेशा एक तरीका रहा है कि जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, हमेशा क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं। तो उससे क्या है, चीजें समझने में बहुत आसान रहती है और एक प्रकार का इंटरेस्ट आपके मन में बना रहता है। तो उसी प्रकार का क्रम आज भी हम यहाँ जारी रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल पार्टिकल के संदर्भ में। तो देखो, आप आराम से समझिए, इस चीज को बहुत ईजी है, मैं एक लाइन लिख रहा हूं। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है आपकी, वो एक तरह से क्या है, डिटर्मिनिस्टिक होती है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा, क्लासिकल मैकेनिक्स इज कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक। इस डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो कण है, कण कैसा, चिर सम्मत कण या क्लासिकल पार्टिकल, उस कण के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो, यानी उसके फ्यूचर के बारे में कुछ भी बता सकते हो, और जितनी परिशुद्धता के साथ आपसे पूछा जाए उतनी परिशुद्धता, उतनी प्योरिटी के साथ आप उस कण के फ्यूचर के बारे में बता सकते हो। डिटर्मिनिस्टिक है, निश्चित है बिल्कुल। कैसे है, जैसे मान लो आपके पास कोई कण है, एक कण है कोई जिसका द्रव्यमान मान लो m इज इक्वल टू 1 kg सपोज करो, उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 मीटर पर सेकंड है, 0 मीटर पर सेकंड, उसका एक्सीलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस तरह से कुछ गिवन डेटा आपको दे रखे हैं। अब अगर आपसे पूछे, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है किसी क्लासिकल पार्टिकल के बारे में, अब अगर आपसे पूछे कि किसी समय टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर इस कण की स्थिति क्या होगी, तो आप बता सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो। कैसे, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू आपके पास है, टी आपको दे रखा है, ए आपके पास है, आप आराम से निकाल सकते हो। आपसे अगर कोई पूछे कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर इसका वेग बताइए, तो ये लीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी आप बता सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे इस कण का संवेग बताइए, तो ये लीजिए p इज इक्वल टू mv बता सकते हो। आपसे कोई पूछे इस कण की काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो ये लीजिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन अगर आपको दे रखी है, ये जरूरी इनिशियल इंफॉर्मेशन तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अगर किसी क्लासिकल पार्टिकल की इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको पता है तो उसके फ्यूचर के बारे में, t इक्वल टू 2 सेकंड क्या एक तरह से फ्यूचर है, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, आप किसी अन्य क्षण पर उस कण के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्लासिकल पार्टिकल की जन्म कुंडली का मतलब ही क्या होता है, उसकी स्थिति, उसका वेग, उसका संवेग, उसकी ऊर्जा, उसका क्या कहते हैं, उस पर लगने वाला बल, ये सारी चीजें क्या होती है, उसकी जन्म कुंडली होती है, उसका फ्यूचर होता है। तो आप बहुत आसानी से देख पा रहे हो कि जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स, ये क्या है, न्यूटन के सिद्धांत है एक तरह से, न्यूटन के समीकरण है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम, अगर हमें किसी क्लासिकल पार्टिकल की इनिशियल कंडीशंस कुछ दे रखी है तो उसके फ्यूचर के बारे में एग्जैक्टली हम बता सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए
क्लासिकल मैकेनिक्स इज कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक अर्थात चिरसम्मत यांत्रिकी में आप किसी कण के भविष्य के बारे में पूर्ण सटीकता के साथ अनुमान लगा सकते हो, पूर्ण सटीकता के साथ उसकी व्याख्या कर सकते हो, उसके भविष्य की व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने किसी क्लासिकल पार्टिकल की बात कर ली। ये क्या है? ये है आपका क्लासिकल पार्टिकल, क्लासिकल पार्टिकल। अब हम, क्योंकि हमें पता है ड्यूअल नेचर आपको क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा दिखाई देती है, ड्यूअल नेचर में क्या हो जाएगा, पार्टिकल एंड वेव। तो अब हम क्या करते हैं, एक वेव लेते हैं। वेव कैसे लेते हैं? क्लासिकल वेव लेते हैं, उसको भी आप समझिए वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो ये चीज तो आपको पता चल गई, पार्टिकल के संदर्भ में क्या है, उसके भविष्य के बारे में पूर्ण सटीकता के साथ आप जानकारी दे सकते हो। अब हम एक लेते हैं क्लासिकल वेव। अब क्लासिकल वेव बनेगी कैसे आपकी, उसको आप देखिए। मैं क्या लेने जा रहा हूं, एक क्लासिकल वेव, ये सारी चीजें समझने के लिए, ठीक है। क्लासिकल वेव, जैसे मान लो ये कोई दो सिरों के बीच आपने किसी डोरी को बांध दिया, अब इसको हल्का सा आप जर्क देते हो तो क्या होगा, कुछ वेव बनेगी। मान लो इस प्रकार की कोई वेव बन गई, इस प्रकार की कोई वेव बन गई, ठीक है ना। जीरो एक्स इजिकल टू जीरो, ये 10 मीटर के बीच में, तो ये फोर से सिक्स के बीच में कोई वेव बन गई। अब अगर आपसे पूछे कि इस वेव की पोजिशन मुझे बताइए, या वेव कहां पर स्थित है, तो आप बड़े कंफ्यूज हो गए। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कि ये वेव या ये तरंग कहां पर है। आप क्या कहोगे, ये 4 और 6 मीटर के बीच में कहीं स्थित है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, यू कैन नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्टली द पोजिशन ऑफ दिस वेव, अर्थात आप पूर्ण सटीकता के आधार पर इस तरंग की स्थिति को नहीं बता सकते हो। लेकिन इस तरंग का अगर आपको लैम्ब्डा पूछे, तो ये पूरा इसका क्या है, लैम्ब्डा। इसका तरंग दैर्ध्य आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, इसका तरंग दैर्ध्य कितना है। तो क्या हो गया कि यहां पर इस स्थिति में आप किसी कण की स्थिति एग्जैक्टली नहीं बता रहे हो, लैम्ब्डा बता पा रहे हो। अब अगर आपसे पूछे कि नहीं आपको तो एग्जैक्ट पोजिशन बतानी बतानी है, तो आप एक दूसरी वेव लेते हो इसी के अंतर्गत, मैं इसी का एक पार्ट बना रहा हूं, ठीक है ना। मान लो ये आपने इस प्रकार की छोटी वेव का छोटा पार्ट लिया इस तरह से, जो मान लो आपके 4.4 से लेकर के 4.5 के बीच में, ठीक है, कुछ भी है। तब क्या हो गया, पहले वेव के पोजीशन में जो अनिश्चितता थी वो क्या थी, एक तरह से 2 मीटर की थी, अब 0.5 मीटर की रह गई। तो काफी हद तक वेव की स्थिति को आप सटीकता से बताने की स्थिति में आ गए हो, लेकिन अभी भी हम पूर्ण सटीकता के साथ वेव की स्थिति को नहीं बता रहे। तो इस स्थिति में क्या है, इसकी तुलना में तो स्थिति के निर्धारण में निश्चितता है, इसकी तुलना में पूर्ण निश्चितता नहीं है। लेकिन अब इसी दौरान क्या हो गया, अब आपसे इस स्थिति में पूछे कि इसका तरंग दैर्ध्य बताओ, तब आप कहोगे अब इसका तरंग दैर्ध्य मैं कैसे बताऊं, क्योंकि यहां तो वेव भी पूरी नहीं बनी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा आप ढंग से नहीं बता पाओगे। तो अब इस चीज को थोड़ा समझिए आप, हमें क्या करना पड़ रहा है। कोई भी अगर आप क्लासिकल वेव लेते हो, तो वहां पर अगर दो राशियां, जैसे एक तरंग दैर्ध्य की बात कर ली, एक हमने स्थिति की बात कर ली, तो अगर आप किसी तरंग की स्थिति को काफी हद तक सटीकता के साथ बता रहे हो, जैसा कि यहां पर, तो उस स्थिति में उसके तरंग दैर्ध्य को बताने में दिक्कत होगी, और अगर उसके तरंग दैर्ध्य को सटीकता से बता रहे हो तो उसकी स्थिति को बताने में दिक्कत होगी। तो एक तरह से क्या करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अगर आपको पोजिशन को सटीकता से बताना है तो फिर लैम्ब्डा के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर लैम्ब्डा को सटीकता के साथ बताना है तो पोजिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर एक मैं शब्द लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, वेव कैन नॉट बी लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी लोकेशन को एग्जैक्टली बताना। जैसे मान लो किसी क्लासरूम में 6-7 बेंच लगी है और एबीसी को स्टूडेंट है, तो जैसे मान लो ए स्टूडेंट किसी बेंच नंबर 3 पर बैठ गया, तो वो क्या है, एक तरह से लोकेलाइज्ड हो गया। मैं आराम से देख करके बता सकता हूं कि स्टूडेंट नंबर ए जो है वो बेंच नंबर 3 पर बैठा है। लेकिन कोई अगर वेव है तो उस वेव के बारे में आप कभी नहीं कह सकते कि वेव एग्जैक्टली कहां पर स्थित है। तो इसीलिए कहा जाता है वेव कैन नॉट बी लोकेलाइज्ड, वेव लोकेलाइज्ड नहीं होती है। ये आप इस चीज को ध्यान रखिए, अभी हम बात कर रहे हैं केवल क्लासिकल की, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये वेव की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्लासिकल वेव के संदर्भ में भी हमें क्या करना पड़ रहा है, अगर दो राशियों का एक साथ निर्धारण करना हम चाह रहे हैं, जैसे लैम्ब्डा और एक्स का, एक्स यानी पोजीशन, हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, अगर आप एक्स का ढंग से निर्धारण करने की स्थिति में आओगे तो फिर लैम्ब्डा में दिक्कत हो जाएगी। अगर आप लैम्ब्डा यानी तरंग दैर्ध्य का ढंग से निर्धारण करोगे तो एक्स में दिक्कत हो जाएगी, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो ये दोनों चीजें, पार्टिकल के बारे में और वेव के बारे में, मैंने आपको क्लासिकली कुछ आइडिया दिया है। अब आप जब इस चीज को समझ जाओगे
तब जब हम हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जाएंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी। अब हम आते हैं हमारे क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखिए, आप इस चीज को जानते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी पार्टिकल होता है वो एक तरह से डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के अनुसार हम कह सकते हैं कि इन क्वांटम मैकेनिक्स ए पार्टिकल इज बिहेव लाइक ए वेव, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हो इन क्वांटम मैकेनिक्स ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेव ग्रुप। ये आप जानते हो बिल्कुल, हमने ग्रुप और फेज वेलोसिटी की संकल्पना पढ़ा है। तो वेव ग्रुप है, यानी कहने का मतलब है कोई भी जो क्वांटम पार्टिकल है वो तरंगों के समूह के रूप में होता है, यानी उसकी तरंग की प्रकृति भी होती है। अब आपको पता चल गया तरंग की प्रकृति है, तो तरंग में क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब हम आते हैं हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और किस तरह से समझेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको यह भी पता है, हमने एक चीज ये भी नोट की थी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हम ये नहीं कह सकते कि जैसे आपने कोई वेव ग्रुप बना दिया, जैसे सपोज करो आपने इस प्रकार का कोई वेव ग्रुप बनाया, ठीक है ना, इसी प्रकार के वेव ग्रुप है, ये क्या है आपका एक वेव ग्रुप है या तरंग समूह है, वेव ग्रुप या तरंग समूह। तो आपको यह भी बताया कि कोई भी क्वांटम पार्टिकल इसी प्रकार के तरंग समूह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अब इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि एक तो हम ये चीज पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा किस में बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। आप याद कीजिए मैंने एक जगह लिखा है था एम्पलीट्यूड, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है ना इस प्रकार का वेव ग्रुप का, वो क्या दर्शा रहा है, एक तरह से जो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति बनी थी इनमें, वो आपको क्या दर्शा रहा है, कण के पाए जाने की प्रायिकता। तो यहां पर कण क्या है, पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है, यहां पर कम है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य है। तो कहने का मतलब क्या है, कण यहां से लेकर के यहां तक कहीं पर भी स्थित हो सकता है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं, आप निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि कण यहीं पर स्थित होगा, यहीं पर स्थित होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए क्वांटम मैकेनिक्स में कण का व्यवहार एक तरह से प्रोबेबिलिस्टिक होता है, प्रायिकता लिए हुए होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत किसी कण को तरंग समूह के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम जिस प्रकार से हमने क्लासिकल वेव में दो चीजें ली थी कॉम्प्रोमाइज को समझा था, उसी प्रकार से हम क्वांटम मैकेनिक्स में समझते हैं। और जैसे ही आप समझोगे आपके हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का स्टेटमेंट निकल करके आ जाएगा। तो देखिए आप, मैं दो चीजें आपको बताना चाह रहा हूं, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई इस प्रकार की तरंग समूह है, ठीक है ना, कोई इस प्रकार का तरंग समूह है, और एक मान लीजिए आपके पास कोई इस प्रकार का तरंग समूह है, इस प्रकार का कोई तरंग समूह है, खूब हो सकता है ऐसा, इस प्रकार का भी हो सकता है, सॉरी, इसी प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग तरंग समूह हो सकता है। अब आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ये अलग अलग तरंग समूह है किसी क्वांटम पार्टिकल के, क्वांटम पार्टिकल को इस प्रकार के तरंग समूह के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। अब देखिए हम पहले इन दो केस की, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की चर्चा करते हैं। इस पोजीशन में अगर मैं आपको इस वेव ग्रुप की बात करूं तो कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो क्या है, इसके इसके कहीं बीच में, यानी और इसमें इसमें क्या है, इसके और इसके बीच में। तो आप मुझे सोच के बताइए कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों स्थितियों को अगर आप एक साथ कंसिडर करें हो एक साथ, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसकी तुलना में इसके कण की जो स्थिति है वो ज्यादा निश्चित है, क्योंकि यहां पर तो कण क्या है इतने बड़े एरिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां पर कण क्या है इतने से एरिया में कहीं भी हो सकता है। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। इस केस में पोजिशन इज वेल डिफाइंड, तुलनात्मक क्यों, तुलनात्मक की बात हम कर रहे हैं, इसकी तुलना में पोजिशन इज वेल डिफाइंड, ठीक है ना, यहां पर आप कण की स्थिति जो है, ठीक है ना, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो लेस अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। आप इस चीज को समझ पा रहे हो, अगर पोजिशन वेल डिफाइंड है तो उसमें जो अनिश्चित होगी वो क्या होगी, कम होगी,
ठीक है ना। यहां पर आप क्या लिखोगे, इस स्थिति में पोजीशन इज वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या है, लेस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अर्थात स्थिति में तुलनात्मक रूप से अनिश्चितता का कम होना। अब हम इसकी बात करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे, पोजीशन इज, इसके लिए शब्द काम में जाता है, वेल का उल्टा हो गया इल डिफाइंड, यानी आप एकदम आसानी से नहीं बता पा रहे हो कि पोजीशन किसी कण की स्थिति कहां पर है, ठीक है ना। ये वर्ड है इल डिफाइंड या वेल डिफाइंड। आप बिल्कुल हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पोजीशन स्पष्ट रूप से तुलनात्मक रूप से आसानी से दर्शाई जा सकती है, यहां पर तुलनात्मक रूप से कम आसानी से अधिक अनिश्चितता लिए हुए है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लार्ज, ये सब चीजें समझने के लिए है। इस टॉपिक में जो आपको एग्जाम में नोट लिखना है वो तो मैं पूरा लिख करके अभी बताऊंगा, अभी हमारा मेन टारगेट है कि हम चीजों को समझते हुए उस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के स्टेटमेंट तक पहुंचे, ठीक है ना। ये चीजें सिर्फ समझने के लिए, लार्ज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, आप समझ पा रहे हो, इसको मैं साफ ही कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड केस में हमने क्या लिख दिया, दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो यहां पर पोजिशन इज वेल डिफाइंड, लेकिन यहां पोजिशन इज इल डिफाइंड। लेकिन अगर मैं तरंग दैर्ध्य की बात करूं तो यहां पर तरंग आपको स्पष्ट रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है तरंगे, लेकिन यहां पर क्या है, इसकी तुलना में कम स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो यहां पर पोजीशन इल डिफाइंड है, लेकिन जो आपका लैम्बडा है, ठीक है ना, लैम्बडा, ये इसको चलो वेवलेंथ लिख देता हूं, वेव लेंथ या लैम्बडा, वो क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में यहां पर वेल डिफाइंड हो जाएगा। आप इस चीज को समझ पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड में आप नोट करते रहिएगा इन चीजों को। तो लैम्बडा इज वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस अनसर्टेनिटी इन लैम्बडा। उसी प्रकार से अगर मैं यहां लैम्बडा की बात करूं तो इसकी तुलना में लैम्बडा क्या हो जाएगा, इल डिफाइंड होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इल डिफाइंड, इल वेल, इल और वेल। मेरे हिसाब से आप इस डायग्राम को बहुत आसानी से समझ गए होंगे, हमने दो वेव ग्रुप लिए हैं किसी कण को दर्शाने के लिए, तो इसकी तुलना में यहां पर क्या है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम है, लेस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, वेल डिफाइंड इसकी तुलना में, लेकिन यहां पर क्या है, पोजीशन इल डिफाइंड इसकी तुलना में। लेकिन अगर हम लैम्बडा को लेते हैं तो यहां पर तरंग आपको स्पष्ट रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है, तो लैम्बडा इज वेल डिफाइंड, लेकिन यहां पर लैम्बडा इज इल डिफाइंड हो जाएगा, अर्थात लार्ज अनसर्टेनिटी, यहां भी आप नोट कर लीजिए, लार्ज अनसर्टेनिटी इन लैम्बडा। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो देखिए अब यहां भी क्या हो गया, एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं हुआ, पोजीशन में और लैम्बडा में हो गया। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आप डी ब्रॉयली हाइपोथेसिस से हम क्या जानते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये आप क्लासिकल पार्टिकल के लिए नहीं लिख सकते हो, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है ना। ये किसके लिए हम लिख रहे हैं, क्वांटम पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं, हालांकि क्लासिकल पार्टिकल पर भी अप्लाई होता है, लेकिन हमने पढ़ा था कि क्लासिकल पार्टिकल के लिए लैम्बडा का कोई अर्थ नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसके संबद्ध जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि एच की डायमेंशन क्या होती है, 10^-34 होती है, मतलब उसकी यूनिट, सॉरी उसका मान, और किसी भी कण का आप संवेग निकालोगे तो कितना होगा, 10^2 होती, उस बहुत ही कम होगा इसकी तुलना में। तो लैम्बडा की कोटि क्या आएगी, 10^-30 आएगी, तो वो तो बहुत कम होती है, तो उसके लिए वो ऑब्जर्वेबल नहीं होती है। हालांकि क्लासिकल पार्टिकल से करण, कोई भी क्लासिकल कण है या पार्टिकल है, उससे तरंग संबद्ध जरूर होती है, लेकिन उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ही सूक्ष्म होती है। तो इसलिए हम क्या बात करते हैं कि ये जो सही ढंग से एप्लीकेबल होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, या क्वांटम पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए होता है। तो ये फॉर्मूला आप कहां लगाओगे, क्वांटम पार्टिकल के लिए। तो अब देखो, जो प्रभाव लैम्बडा पर पड़ेगा वो प्रभाव संवेग पर भी तो पड़ेगा, क्योंकि लैम्बडा और संवेग के आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए, अगर यहां पर पोजीशन वेल डिफाइंड है तो लैम्बडा इल डिफाइंड है, तो चूंकि ये संबंध हमें पता है क्वांटम पार्टिकल के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी भी क्या हो जाएगा, पी यानी मोमेंटम, मैं लिख देता हूं, मोमेंटम इज इल डिफाइंड। आप समझ गए चीज को। तो अब हमने क्या निकाल लिया, पोजीशन और संवेग में एक संबंध निकाल लिया, और यहां पर क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज वेल डिफाइंड। समझ रहे हो आप इस चीज को। तो यहां से आप क्या डिस्कस निकल गया कि क्वांटम पार्टिकल के लिए अगर आप किसी कण की स्थिति को एग्जैक्टली बताने, एग्जैक्टली मतलब परिशुद्धता के साथ बताने का प्रयास करते हो, तो उसी दौरान हम ये क्या एट इंस्टेंट बात कर रहे हैं, एक ही समय पर बात कर रहे हैं, तो उसी दौरान क्या होगा, उस कण के संवेग में क्या आ जाएगी, वो इल डिफाइंड हो जाएगा, यानी कण के संवेग में आप उतनी निश्चितता के साथ उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हो। और अगर हम किसी
कण की स्थिति को सही ढंग से नहीं बता पा रहे हैं, तो उस दौरान आप उस कण के संवेग को काफी हद तक सही निर्धारण उसका कर सकते हो। तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, और अब हमारा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का स्टेटमेंट बनने ही वाला है। ये चीज आपको अगर समझ में आ गई और इस चीज को आप नोट कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, सीधा आया सीधा स्टेटमेंट याद किया रट के चले गए। इस तरह से अगर आप समझोगे तो आपको चीजें समझने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, इन चीजों को आप समझिए। तो देखो यहां से आप क्या निष्कर्ष निकल रहे हो कि किस इन क्वांटम मैकेनिक्स वी कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, अर्थात क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत हम एक साथ किसी कण की स्थिति और उसके संवेग को पूर्ण निश्चितता के साथ नहीं दर्शा सकते हैं। अगर कण की स्थिति को हम परिशुद्धता के साथ दर्शाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, पूर्णतया तो हम नहीं दर्शा सकते वेव के कारण, तो उसी दौरान क्या होगा, कण के संवेग में क्या आ जाएगी, अधिक मात्रा में अनिश्चितता आ जाएगी। उसी प्रकार यदि हम किसी कण के संवेग को निश्चितता के साथ दर्शाने का प्रयास करते हैं तो उसी समय कण की स्थिति में क्या आ जाएगी, अधिक अनिश्चितता आ जाएगी। तो ये है आपका हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम क्या करते हैं, पूरा स्टेटमेंट मैं बोर्ड पर लिखूंगा जिसको आपको नोट भी करना है, और जब भी एग्जाम में आपसे पूछे कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को लिखिए, तब जो मैं लिख रहा हूं उसको आप लिखिएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था और ये जरूरी भी था समझाना। तो चलो लिखते हैं हम स्टेटमेंट। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा, मैं इसका स्टेटमेंट को लिख देता हूं। अब देखिए मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कुछ जो स्टेटमेंट है उसके प्रिंसिपल का वो मैंने लिखा है। अब ये क्या है, आप इसको आराम से एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है ना, क्या है, किस तरह से लिखना है, यही आपके सारे काम की चीज है। जो चीज़ हमने अभी तक समझी है उसको हमने किस प्रकार से लैंग्वेज में लिखा है, तो एक बार आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, ठीक है, एक ही चीज़ को हम समझते हैं। हम लोग क्या समझ चुके थे, आप इसको एक बार देखना बंद कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए। हमने क्या समझा था कि क्वांटम पार्टिकल में किसी भी कण को वेव ग्रुप के द्वारा दर्शाया जाता है, और फिर हमने एक डिस्क्रिप्शन में क्या देखा था, दो वेव ग्रुप लेकर के उनका कंपेयर किया, और वहां पर हमने देख लिया कि अगर कण की स्थिति आप ठीक ढंग से मेजर कर रहे हो तो मोमेंटम में क्या आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है, ठीक है। तो वहां पर फिर मैंने एक लाइन बोली थी कि हम एक साथ एक ही समय में किसी कण की एग्जैक्ट पोजिशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को नहीं दर्शा सकते हैं। तो जो हाइजेनबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया था अपना, उन्होंने कहा था कि यदि किसी कण के संवेग के x घटक, आप समझिएगा क्योंकि संवेग है तो उसका x घटक भी होगा, उसका y घटक भी होगा और उसका z घटक भी होगा, तो उन्होंने कहा था कि यदि किसी कण के संवेग के x घटक में अनिश्चितता, मान लो क्या है, डेल्टा px है, अनिश्चितता डेल्टा px है, तो उस कण की स्थिति में अनिश्चितता निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि अगर कण के संवेग में अनिश्चितता px है तो आपको पता है अनिश्चितता तो संवेग में भी होगी और कण की स्थिति में भी, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता को उन्होंने बताया था इस प्रकार से, आप लिख सकते हो डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 इनटू 1 अपॉन डेल्टा px, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा कि इक्वल टू हो, मतलब अगर मान लो ये ग्रेटर देन हटाता हूं मैं तो इसका मतलब हो गया इक्वल, तो इक्वल का मतलब तो हो गया मिनिमम इतनी है, लेकिन वो तो मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे px बढ़ेगा तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और px कम होगा तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का हम साइन काम में ले रहे हैं, और आपको इससे पता भी चल रहा है। देखो अगर डेल्टा px कम है, डेल्टा px कम होगा तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब समझिए डेल्टा px क्या है, संवेग के निर्धारण में अनिश्चितता। अगर संवेग के निर्धारण में अनिश्चितता कम है, इसका मतलब संवेग क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो जब संवेग के निर्धारण में अनिश्चितता कम है तो स्थिति के निर्धारण में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, आपका इल डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अनिश्चितता और निश्चितता भी आपस में ऑपोजिट है, ठीक है ना। अगर डेल्टा पी एक्स ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, अनिश्चितता ज्यादा है, ठीक है ना। तो अनिश्चितता किसमें ज्यादा है, संवेग में, तो x में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और x में अनिश्चितता कम होगी तो उसके निर्धारण में निश्चितता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो कंबाइंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा x डॉट डेल्टा px इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। तो ये आपको लिखना है,
लेकिन ये बिल्कुल बेसिक था। हमने कहां पर बात की, केवल संवेग और स्थिति में बात की। हाइजेनबर्ग ने भी शुरुआत में इसी तरह से बातें की। और फिर मैंने ये एक्स एक्स क्यों काम में लिया, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने ये भी बताया था कि हमेशा क्या होगा, दिशा का ध्यान रखिए। जैसे मान लो आप डेल्टा एक्स की बात कर रहे हो, वो क्या है, एक्स दिशा में निर्धारण, स्थिति के निर्धारण में अनिश्चितता, और डेल्टा पी एक्स क्या है, एक्स दिशा में संवेग के निर्धारण में अनिश्चितता। डेल्टा पी वाई क्या है, वाई दिशा में संवेग के निर्धारण में अनिश्चितता। डेल्टा पी जेड क्या है, डेल्टा पी जेड क्या हो जाएगा, संवेग के जेड घटक के निर्धारण में अनिश्चितता। तो हाइजेनबर्ग ने बताया था कि इनका ही आपस में रिलेशन है, यानी ये आपस में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर संवेग के निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, ठीक है, तो स्थिति के निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा एक्स आप इस प्रकार से लिख सकते हो। लेकिन इस डेल्टा एक्स का डेल्टा पी से पी वाई से कोई मतलब नहीं है, यानी डेल्टा पी वाई और डेल्टा एक्स को आप इस तरह से नहीं कह सकते हो कि डेल्टा पी वाई में अगर अनिश्चितता ज्यादा है तो डेल्टा एक्स कम हो जाएगा, नहीं, केवल डेल्टा एक्स का डेल्टा पी एक्स के साथ, उसी प्रकार से डेल्टा वाई का डेल्टा पी वाई के साथ, उसी प्रकार से डेल्टा जेड का डेल्टा पी जेड के पास साथ। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दिशा विशेष है, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन थी। अब ये क्या है, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। फिर आगे हाइजेनबर्ग ने कहा था कि ये जो आप इस प्रकार से फॉर्मूला लिख रहे हो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, या ये जो स्टेटमेंट लिखा है, वो केवल संवेग और स्थिति के लिए नहीं, हर उन दो राशियां, कोई भी दो राशियां, एक पेयर यानी दो राशियां, कोई भी ऐसी दो राशियां, उन पर यह सिद्धांत या ये समीकरण लागू हो सकता है जिनकी डायमेंशन किसकी हो, एक्शन की हो। आप ध्यान रखिए मैंने क्या बोला है, जिनकी डायमेंशन क्या हो, एक्शन की हो। एक्शन होता क्या, एक्चुअल में एक्शन होता है आपका जूल सेकंड, जिसको आप कहते हो एनर्जी इनटू टाइम। तो कोई भी दो राशियां आप ले लीजिए, कोई भी दो राशियां, ठीक है ना, अगर उनकी डायमेंशन जूल सेकंड आ रही है, ठीक है, तो उनको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे मान लो कोई एक राशि आपके ए है, कोई एक राशि बी है, और अगर उनकी डायमेंशन आपस में मल्टीप्लीकेशन जूल सेकंड आ रहा है, तो इसको आप डेल्टा ए डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू लिख सकते हो। समझ गए? तो केवल ये स्थिति और संवेग पर ही नहीं, कोई भी दो राशियां जिनकी डायमेंशन ये हो, उन पर लागू होता है, अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार का जो ये पेयर होता है, उसका नाम दिया जाता है विहित संयुग्मी चर राशियां या कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स। हालांकि ये जो शब्द है वो थोड़ा अपर क्लास में हम जाएंगे, अगर पीजी में जाएंगे तो वहां पर आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा कि कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स होते क्या है। वहां पर जब आप एक टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर कैनोनिकल इक्वेशंस आती है, तो ऐसे पेयर जो कैनोनिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। लेकिन अभी हम इस लेक्चर में उतना डीप में नहीं जाएंगे, आपका तो काम केवल इससे ही चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, आपको एग्जाम में ये लिखनी है। अभी आगे मैं और लिखाऊंगा, ठीक है ना, ये भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये लिखनी है। अब ये क्या कह रही है, इसको आप ध्यान से समझिए। ये कह रहा है किसी एक ही क्षण पर किसी कण की दो विहित संयुग्मी चर राशियों का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण यथार्थता से निर्धारण नहीं किया जा सकता। हम जानते भी हैं किसी एक क्षण, हमने कहा था एट टाइम, उसी समय किसी कण की दो विहित संयुग्मी चर राशियां, अब एक्स और पी एक्स भी क्या है, संयुग्मी चर राशियां है, क्यों, क्योंकि उसका जो डायमेंशन है वो क्या है, एक्स यानी जूल सेकंड आ रहा है, आपको दिख ही रहा है ना, देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स किसके बराबर आ रहा है, एच क्रॉस, और एच क्रॉस की डायमेंशन क्या होती है, एच की डायमेंशन क्या होती है, जूल इंटू सेकंड ही तो होती है, तो देखिए इसकी भी जूल सेकंड। तो क्या हो गया, किस विहित संयुग्मी चर राशियों का एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही दिशा में, दिशा का निर्धारण मैंने कहा ना एक्स पी एक्स के साथ, वाई पी वाई के साथ, जेड पी जेड के साथ, तो एक ही दिशा में पूर्ण यथार्थता से निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी एक्स और पी एक्स का आप एक साथ नहीं कर सकते हो, एक्स और वाई का कर सकते हो, एक्स और जेड का कर सकते हो, लेकिन एक्स एक्स का एक साथ नहीं कर सकते हो। तो ये है एग्जैक्ट स्टेटमेंट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। किसी, वापिस मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, किसी एक ही क्षण पर किसी कण की दो विहित संयुग्मी चर राशियों का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण यथार्थता के साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, इस तरह से आपको लिखना है। और इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर ए पेयर ऑफ कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ, विद आर्बिट्री एक्यूरेसी यानी पूर्ण यथार्थता के साथ निर्धारण आप नहीं कर सकते हो, तो इस तरह से आपको लिखना है। अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसके नीचे हम दो तीन चीजें और लिखेंगे तब ये स्टेटमेंट पूरा होगा, ठीक है, तो मैं उसको साफ कर देता हूं। ध्यान आप क्या रखोगे कि कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स का दो तरह से मतलब निकलेगा, एक तो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कैनोनिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसको अभी हमें
अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरा, कोई भी दो ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, आपस में जो उनको मल्टीप्लाई करो तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, एक्शन की डायमेंशन होनी चाहिए या जूल इंटू सेकेंड होनी चाहिए। तो एक तो हमारे क्या मिल जाएगी हमें, स्थिति संवेग अनिश्चितता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अनिश्चितता, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाय टू। ये तो हमने क्या बात की, केवल एक्स दिशा की बात की, लेकिन इन जनरल बात करें तो पोजीशन क्या होती है, थ्री डायमेंशनल में बात करें तो यहां पर देखिए, अब जनरली हम क्या होता है, जो पोजीशन होती है उसको हम क्यू से दर्शाते हैं आगे, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू डॉट डेल्टा पी क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू, ये आपको लिखना है, इस स्थिति संवेग अनिश्चितता, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स लेकर आएंगे, ऐसी कौन कौन सी दो राशियां हैं जिनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला तो हमें पता चल गया, स्थिति संवेग के रूप में लिख सकते हैं, आप इसको आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्यू क्या है, क्यू को हम कहते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ये सब चीजें थोड़ी एडवांस है लेकिन आपके आगे काम आएगी, आप इतना ही ध्यान रखिए। चीज यही है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स, डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई, डेल्टा जेड डॉट डेल्टा जेड, अलग अलग लिख सकते हो और आप इसको एक कंबाइंड भी लिख सकते हो, जहां पर क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, स्थिति संवेग अनिश्चितता। उसी प्रकार से ऊर्जा समय अनिश्चितता, और ये तो साफ ही दिख रहा है क्योंकि कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल में तीन भी दो राशियों गुणनफल क्या होना चाहिए, जूल सेकंड होना चाहिए, तो जूल सेकंड आई, ऊर्जा का जूल और समय का सेकंड। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय टू। उसी प्रकार से एक होता है आपके कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग अनिश्चितता, उसको आप क्या लिखोगे, डेल्टा थीटा डेल्टा जे एच क्रॉस बाय टू। तो ये तीन आपके फॉर्मूला निकल कर के आगे, इसका भी आप जो डायमेंशन चेक करोगे तो आपको जूल सेकंड ही मिलेगा, ये आप आराम से घर पर करके देख सकते हो। तो ये इस प्रकार से पूरा लिखना आपको, जब भी आपको हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछे तो आप इस तरह से लिखोगे कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार हम लिख सकते हैं कि किसी एक ही क्षण पर किसी कण की दो भीत संयुग्मी चर राशियों का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण यथार्थता से निर्धारण नहीं किया जा सकता। फिर आप ये तीनों नीचे लिखना, स्थिति संवेग अनिश्चितता ये लिखिए, ऊर्जा समय अनिश्चितता ये लिखिए, कोणीय विस्थापन कोणीय समय का अनिश्चितता ये लिखिए, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत आसानी से इस चीज को समझ लिया है, अब इस लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर को तो हम यहीं फिनिश करते हैं ताकि बड़ा नहीं हो जाए, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित कुछ अनुप्रयोग या कुछ एप्लीकेशन पोर्शन को पढ़ेंगे, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तो मैं आपको कह सकता हूँ 100% वो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, उसमें बिल्कुल उन सारे टॉपिक्स को डिटेल में करेंगे। थैंक यू।